हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। आज हम इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करेंगे कि जो नर्सिंग फील्ड स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। जो इस फील्ड में जाने की सोच रहे हैं या सोच बना चुके हैं या जा चुके हैं, उनके लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। और अभी जो नर्सिंग कर रहे हैं, ये साल के इस एंड में सबके लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। ठीक है, ये 2000 में क्या था, जो नर्सिंग स्टूडेंट्स वो पहले क्या था, मेडिसिन लिख देते थे। सबसे पहले आप उसमें देखिए जो हेडिंग है क्या लिखा है, नर्स प्रैक्टिशनर्स एंड कोर्स के बाद दवा लिखने का होगा अधिकार। यानी कि क्या था, पहले जो मेडिसिन था नर्सिंग लिख देते थे, ठीक है। कुछ टाइम के बाद ये सब बंद कर दिया गया, लेकिन अब फिर से नर्सिंग फील्ड स्टूडेंट्स मेडिसिन लिख सकते हैं। अगर डॉक्टर नहीं है तो वो मेडिसिन लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो मेडिसिन लिख सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर कितनी देर तक पेशेंट के पास रहता है, क्योंकि सारा दिन तो जो नर्स है वही ही पेशेंट के पास रहती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो नर्स है वो हर टाइम पेशेंट के पास रहती है, तो वो क्या है कि मेडिसिन लिख सकती है। अब सब चेंज कर दिया गया है, ठीक है। और आप किस प्रकार डॉक्टर बन सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें देखिए क्या बता रहे हैं कि विदेश से कोर्स करने पर क्या है, एग्जिट एग्जाम देना होगा, ठीक है। इसमें क्या आपको एग्जिट जो है एग्जाम देना होगा। इसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या बता रहे हैं कि इसमें क्या है, MBBS में दाखिला के लिए देश भर में एक परीक्षा की व्यवस्था के बाद अब नर्सिंग में एडमिशन के लिए भी एक परीक्षा होगी। यानी कि अब इसमें क्या है, जो अब मेडिकल नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए भी एक एग्जाम होगा, जैसे क्या है नीट का एग्जाम होता है, ठीक है, ऑल इंडिया का एग्जाम होता है, वैसे ही एग्जाम होगा। अब एक ही एग्जाम होगा, अलग अलग नहीं होगा। और मेडिसिन जो है वो लिखने का भी अधिकार होगा। पहले क्या था, जो स्टेट लेवल पर होता रहता था, ठीक है, अब क्या 2020 तक यही हो रहा था, लेकिन अब चेंजिंग आया है, ठीक है। ये 2011 से 2020 के बाद था, ठीक है, ओके। अब क्या है, अब एक ही एग्जाम होगा, ये उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको जो मेडिसिन जो है आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। और यही नहीं, नर्सिंग कोर्स और उसके बाद 2 वर्ष की नर्स प्रैक्टिस कोर्स पूरा करने पर मरीज के लिए दवा लिखने का अधिकार मिल सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमिश्नर बिल 2020 का ड्राफ्ट तैयार किया है, ठीक है। क्या है, उन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ड्राफ्ट बिल के अनुसार पहली बार ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि देश के सभी सरकारी और निजी नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के लिए एक कॉमन परीक्षा नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है। समझ आ गया आपको यहाँ तक। जो केंद्रीय स्तर यानी कि सेंट्रल लेवल पर क्या होगा, एक नीट का एग्जाम होता है, ठीक है, जैसे नीट का होता है, नीट के थ्रू से ही आपको क्या है MBBS में एडमिशन मिलता है, ठीक है। एक ही एग्जाम होगा और काउंसलिंग भी केंद्रीय स्तर पर होगी। नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए केंद्रीय स्तर पर काउंसलिंग होगी, जबकि राज्य के सरकारी और गैर सरकारी नर्सिंग जो है उसमें के कॉलेज में दाखिले के लिए राज्य स्तर पर काउंसलिंग की जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा ड्राफ्ट बिल में एग्जिट एग्जाम का भी प्रावधान किया गया है। फाइनल ईयर की परीक्षा को ही एग्जिट एग्जाम माना जाएगा। विदेशों से नर्सिंग कोर्स करने वाले भी यदि देश में नर्सिंग करना चाहते हैं तो उन्हें भी एग्जिट एग्जाम देना होगा, ठीक है। इसमें क्या आपको जो एग्जाम तो वो है क्लियर करना पड़ेगा। इसमें क्या नई नर्सिंग कॉलेज का पंजीकरण नहीं कर सकेगी राज्य सरकार, क्लियर। नया कानून बनने के बाद किसी भी नए नर्सिंग कॉलेज का राज्य सरकार पंजीकरण नहीं कर सकेगी। इसके लिए मेडिकल जो है मेडिकल कमीशन से मंजूरी लेनी होगी। पुराने नर्सिंग कॉलेज की निरीक्षण की जिम्मेदारी भी कमीशन की ही होगी, ठीक है। जो पुराने नर्सिंग कॉलेज हैं उसका निरीक्षण की जिम्मेदारी भी किस पर होगी, वो कमीशन की ही होगी। यदि शर्तों को पूरा नहीं करेगा तो ये मान्यता रद्द की जा सकती है। हर वर्ष करीब 4 लाख स्टूडेंट्स जो है नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो नर्सिंग है वो इतनी डिमांड हो चुकी है आज की डेट में कि जो भी नर्सिंग कर रहा है जिससे भी पूछो वही क्या है नर्सिंग में एडमिशन लेके जो है स्टूडेंट्स
बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसमें हमें जॉब जो है जल्दी मिल जाती है, क्योंकि इसमें जो फॉरेन जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है, जो नर्सिंग कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगला जो है हम बात कर लेते हैं, तो ये तो है था हमारा कि जो मेडिकल की तरह नर्सिंग में दाखिले के लिए भी क्या है एक परीक्षा देनी है, कि नीट का इसमें भी एग्जाम देना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो नर्सिंग है वो डॉक्टर भी कैसे बन सकती है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये ट्रिब्यून में ये न्यूज आई थी जो कि शायद किसी ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, तो मैं आज आपके साथ जो है ये शेयर भी कर देती हूँ ताकि आपको पता चले कि आपको इसमें क्या करना है जिससे आपको जो है नर्सिंग से क्या है डॉक्टर बन सकते हैं, और आपको क्या करना होगा। आप देख सकते हैं आपके सामने है, नर्सेस डेंटिस्ट मे गेट एनालिटिकल एंट्री इनटू एमबीबीएस, और इसमें जो न्यूज है इसमें क्या बताया गया है आप इसे मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में क्या बोला गया है। इसमें जो है अगर आपने डेंटिस्ट का कोर्स कर रखा है तो आपको क्या है डायरेक्ट छूट मिलने वाली लेटरल एंट्री का, मतलब ये है कि अगर आपने नर्सिंग कर रखी है या पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आपको एमबीबीएस में एंट्री मिल सकती है। जैसे कि आपको पता है कि एमबीबीएस जो है 5 ईयर्स की होती है, ठीक है, तो आपको 2 ईयर्स की जो है उसमें क्या है डायरेक्ट छूट मिलने वाली है। आप क्या है डायरेक्ट इसमें थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, मतलब आपको डायरेक्ट थर्ड ईयर में एडमिशन मिलेगा। तो इसके लिए आपको नीट का भी एग्जाम पास करना होगा। ठीक है, नर्सिंग करने के बाद बहुत ज्यादा क्या है नॉलेज भी हो जाती है, क्योंकि जैसे हम हमारी जो है 3 ईयर्स की नर्सिंग होती है उसमें क्या होता है हमें बहुत ज्यादा नॉलेज भी हो जाती है। अगर कोई बीएससी कर रहा है पोस्ट बीएससी कर रहा है हमें बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाती है, तो उसके लिए क्या होगा आपको कुछ सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं उसमें। ठीक है, तो ये क्या है ये करने के बाद आपके नाम के आगे क्या डॉक्टर लग सकता है। ठीक है, तो डॉक्टर लगेगा तो उसका मतलब ये है कि आपको जो है नर्सिंग से डॉक्टर भी बन सकते हैं। और इसमें आपको एक और मैं न्यूज दिखा देती जो कि इसमें हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आए तो इसमें भी पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या है देखिए, अब इसमें नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में मेडिकल शिक्षा के ढांचे में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं। इसमें लेटरल एंट्री के तहत नर्सिंग व दंत चिकित्सा यानी कि डेंटिस्ट से जुड़े स्नातकों को सीधे एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए दाखिला लेने का अहम प्रस्ताव भी है। मतलब यह भी नर्सिंग या डेंटिस्ट कोर्स करने वाले छात्र 2 साल बाद यदि 5 साल के एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें पहले क्या करना होगा नीट क्लियर करना होगा। ठीक है, 30 जून तक आम लोगों से मांगे सुझाव। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट हिंदी और अंग्रेजी में अपलोड कर दिया गया है, और राज्य शिक्षाविद अभिभावक व छात्र 30 जून तक ड्राफ्ट पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। सुझावों के आधार पर ड्राफ्ट में बदलाव किया जाएगा, फिर उस पर अमल किया जाएगा। अब इसमें क्या है कि मतलब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो ड्राफ्ट है, ठीक है, मेडिकल शिक्षा के ढांचे बहुत सारी कमी चल रही है और इसलिए ब्रिज कोर्स होता है बनाना पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें ब्रिज कोर्स जो है वो करना पड़ेगा आपको इसमें, इसलिए इसमें सुधार करना चाहते हैं। इसमें लेटर एंट्री के तहत नर्सिंग द जो डेंटिस्ट चिकित्सक हैं, ठीक है, उसमें क्या बीडीएस होते हैं, वो जो वो क्या होते हैं वो बीडीएस होते हैं। मतलब ये डेंटिस्ट या नर्सिंग करने वाला स्टूडेंट्स 2 साल बाद 5 साल वाले कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसे पहले पेपर पास करना होगा। किसका, नीट का पेपर जो है वो आपको पास करना पड़ेगा। 30 जून को जो इंस्टीट्यूट होता है कोई भी प्रस्ताव रखती है तो पहले वो क्या है जो है लोगों से सुझाव मांगती है। जैसे नर्सिंग वालों को सुझाव मांगा कि जो आर्ट्स वाले थे इसे कर सकते हैं या नहीं, तो इसमें क्या है जो 24 जनवरी तक ये मांगा था, अगर सब ठीक रहा तो आर्ट्स वाले भी 2021 में बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी इसमें न्यूज। और इसमें क्या था कि जो इसमें क्या है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसकी एक ड्राफ्ट है, इसमें जो न्यूज़पेपर में ये बताया कि जो भी नर्सिंग स्टूडेंट्स है ना वो नर्सिंग कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, और वो कर सकते हैं कि उस कोर्स का नाम जो है ब्रिज कोर्स है। ब्रिज कोर्स को करने के बाद आप क्या है डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या है कि अगर सुझाव सही रहा तो नर्सिंग वाले भी बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं, इसमें आपको कोई रोक भी नहीं सकता। और अगर नहीं माने तो आपको मेडिकल स्टूडेंट्स इसका विरोध भी कर सकते हैं। कौन करेगा विरोध? ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स कर सकते हैं, या फिर एमबीबीएस करने के लिए आपको क्या है नीट जो है क्वालिफाइड करना पड़ेगा। ये बहुत ही क्या है मेहनत करनी पड़ती है इसमें। नीट का जो एग्जाम होता है बहुत ही मेहनत वाला होता है, इसमें आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं मिल सकता। जब तक आप नीट का एग्जाम नहीं क्लियर करेंगे तो आपको इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है आपको इस चीज का ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो यानी कि आप इसमें क्या है डायरेक्ट इसमें डॉक्टर भी बन सकते हैं। तो आपको नीट कंप्लीट करना होगा, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये है जो नर्सिंग जो है इसमें क्या है वो डायरेक्ट क्या है, आप अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो वो क्या कर सकती है मेडिसिन भी लिख सकती है अगर कोई पेशेंट को प्रॉब्लम हो गई है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए। क्योंकि जो नर्सिंग करके बैठे हैं या कर रहे हैं, ये जिन्होंने एडमिशन लेने की सोची है, तो वो उनके लिए बहुत ही बड़ा ये खुशखबरी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे रिलेटेड अगर कोई भी ऐसी न्यूज आती है कि ये कब शुरू हो रहा है, तो मैं आपको जरूर इसके बारे में बताऊंगी। एंड थैंक यू सो मच।